हनुमानगढ़ जिले के नोहर में असिंचित श्वेत संघर्ष समिति की ओर से सिंचाई सुविधा में वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि इस महापंचायत की अध्यक्षता असिंचित क्षेत्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष महंत गोपाल नाथ ने की। आयोजित महापंचायत में अध्यक्ष महंत गोपाल नाथ ने कहा कि दशकों से नहर के पास होने के बावजूद भी क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन गांव सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। साथ ही लंबा आंदोलन चलने के बावजूद भी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी क्रम में महापंचायत में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इन तमाम गांवों की ओर से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। आज असिंचित क्षेत्र संघर्ष समिति नोहर की तरफ से 14 बिरानी गांव और अर्ध सिंचित 9 गांवों को लेकर जिस प्रकार का रवैया पिछली सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की जनता के साथ किया गया, इससे क्षेत्र में किसानों में निराशा व्याप्त है, रोष व्याप्त, और सरकार के सामने अपने इस क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग जो जीवन मरण से जुड़ी हुई है इसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से अपने सरकार के सामने गंभीरता से इस विषय को पूरा कराने के लिए आज शोराणी गांव में ग्राम पंचायत शोराणी इकाई द्वारा एक आह्वान किया गया, जिसके फलस्वरूप असिंचित और अर्ध सिंचित गांव के किसानों ने भाग लिया। देखिए महापंचायत है जो नोर के 15 असिंचित गांव है, जो पूर्व में इसका लंबे समय तक आंदोलन संघर्ष किया गया है, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज की महापंचायत रखी गई है। क्योंकि पिछली जो गत सरकार थी उसने 5 साल झूठा आश्वासन दे के अंधेरे में रखा, जिसका उन्होंने वायदा किया था कि हम सरकार बनेगी तो हम DPR बनाएंगे और इस क्षेत्र वंचित क्षेत्र को जोड़ने की समस्या को समाधान करेंगे सिंचाई सुविधा से जोड़ने का। लेकिन उसमें जो घोषणाएं थी 100 करोड़ बजट की हो चाहे वो DPR बनाने की हो, वो थोड़ी घोषणाएं थी, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ।